देख सकते हैं इसमें हल्का नमक डाल दिया हूँ, तेज पत्ता डाला गया है और लाल मिर्च डाला गया है और ये सीटी मार रहा है इधर, आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग दाल का तड़का लगाने जा रहे हैं। इसमें है जो कि दाल है, चने का दाल है और ये प्याज हम लोग फ्राई कर रहे हैं। इसमें है जो कि फ्राई हो रहा है, ये जो लहसुन का पेस्ट है हम लोग इसमें डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद इसको सेक कर देंगे इस तरीके से। ये जो हमारा जो दाल है वो दाल हो चुका है, इसको इसमें डाल देंगे, फ्राई हो जाएगा। हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, उसके बाद मिर्ची पाउडर डालेंगे, मसाला डाल चुके हैं। ये काली मिर्च है, मतलब गोल की, ये है मिक्स मसाला, सारा मसाला डाल दिया हूँ, बस इसको मसाला डाल के फ्राई कर दूंगा। हल्का वाटर डालेंगे, हो जाएगा। इसमें हल्का वाटर डाल दिया, ग्रेवी बहुत अच्छा बन चुका है, अच्छे से इसको फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, हल्का वाटर ऐड करके इसको सेक कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। लाइट है जो इससे काना बन रहा है, देख लीजिए। बारिश भी हो रहा है बाहर में, बाहर में बारिश हो रहा है थोड़ा हल्का हल्का, नाइट का टाइम है, 10:30 बज रहा है। देख लीजिए ये आपका मसाला जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत मुझे देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। ये विदाउट टमाटर है, देख लीजिए नज़दीक से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। लगभग ये रेडी हो चुका है, अब ये जो दाल है हमारा इसको इसमें डाल देंगे और हमारा दाल फ्राई बन जाएगा। इसे निकाल के दोस्तों पूरा दाल इसमें डाल दिया हूँ, अब ये दाल है देखिए इसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया दाल का तड़का, कितना देखने में अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। ये हमारा दाल का तड़का रेडी हो गया। का हम लोग पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और ये हमारा ये बिल्कुल खाने के लिए ये दाल फ्राई जो है, चने का दाल जो बोलेंगे या इसको तड़के भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो ये हमारा तड़का अब रेडी है खाने के लिए। इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे अच्छे से, बस ये रेडी है।